हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन है तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन है तो ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन को कैसे ऑन ऑफ करेंगे, तो सिंपली हमारी फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो सिंपली आपको यहाँ पर सर्च कर देना है ऑटो रोटेट रोटेट स्क्रीन, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। शायद हमारा शो नहीं हो रहा है तो हम इसको दोबारा सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटो रोटेट, इसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ से इसको ओपन करना है, इसको ऑन करते हैं तो जो हमारी फ़ोन की स्क्रीन आप किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं, और साथ में इसको ऑफ कर देंगे तो जो हमारी फ़ोन की स्क्रीन है रोटेट नहीं होगी, इसको आप यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है ऑटो रोटेट का, तो सिंपल आप फ़ोन की सर्चिंग्स सेटिंग्स पर जाकर भी ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सिंपली हमारी फ़ोन की सेटिंग्स शो हो रही है तो आपको स्वाइप करना है, आपको जाना है आपकी सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, फिर हमारे पास से ऑप्शन आ जाएगा, आप देख सकते हैं डिस्प्ले ब्राइटनेस सेटिंग। डिस्प्ले ब्राइटनेस सेटिंग ओपन होते ही आप देखते हैं कि ऑटो रोटेट ऑप्शन आ जाता है, इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ऑन करते ही जो हमारी फ़ोन है उसको आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में, ऑफ कर देंगे तो रोटेट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं अपने ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन को अपने वीवो फ़ोन में। तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं, ऑटो रोटेट ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।